नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष है। आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसा कि हमारे चैनल पर आपको समय समय पर विशेष उपाय दिए जाते हैं और उन उपायों पर आप सबके बहुत सारे कमेंट होते हैं कि दीदी आप हमें ऐसे कोई उपाय बताएं जिससे उनके रोजगार में, उनके व्यापार में, उनके नौकरी में बढ़ोतरी हो। और यदि मान लीजिए आपके पास नौकरी नहीं है, आपका मकान नहीं बन पा रहा, यानी आपके कार्य में बाधा आ रही है और आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, तो आप एक बार ये उपाय करके देखिए दोस्तों। इसका बहुत ही लाभ होता है और ये उपाय देखने सुनने में बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है बहुत ही जल्द दिखाई देता है। और इसमें आपके बहुत सारे धन भी नहीं खर्च होते हैं और ना ही आपके बहुत सारे समय लगते हैं। कम समय में कम धन खर्च करने पर ही ये उपाय संपूर्ण हो जाता है और घर का कोई भी मेंबर कर सकता है। आप किसी भी उम्र के हो, ये उपाय करें, आपको इसके चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। और ये उपाय कब करना है, इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, ये सभी जानकारी हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो पर एंड तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय के बारे में। जैसे कि आप सभी को उपाय बहुत पसंद आते हैं और उपाय हमें समय समय से करना भी चाहिए। उपायों से हमारे जो बर्थ चार्ट में आप कुंडली का आकलन जब भी करवाते हैं तो कोई ना कोई दोष हमारी कुंडली में जरूर रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपके कुंडली में पितृ दोष है, या फिर आपकी कुंडली में जो है काल सर्प दोष है, या फिर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बना हुआ है जिससे कि आपके बहुत सारे कार्य समय पर संपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इन सभी दोषों को समाप्त करने की ताकत रखता है यह एक छोटा सा उपाय। आपको करना क्या है, ये उपाय कब करना है, पहले हम यही आपको बताएंगे। और दोस्तों, सभी चीजें मैं डिटेल में बताती हूँ, फिर भी आप क्वेश्चन करते रहते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से आप देखा करें। तो पहली जानकारी यही है कि उपाय हमें कब शुरू करने हैं। तो आप किसी भी, इसमें आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है। आप बुधवार के दिन, या फिर शनिवार के दिन, या फिर अमावस्या के दिन, जैसे कि हफ्ते में दो बारी करना है तो आप बुधवार शनिवार का दिन चुन सकते हैं, या फिर आप जो है 15 दिनों में एक बारी, यानी कि अमावस्या तिथि आती है उस पे आप कर सकते हैं। तो हर महीने अमावस्या आती है उस दिन भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने समय के अनुसार ये दिन चुने और लगातार 7 दिन आपको करना है, यानी कि 7 अमावस्या करें, 7 शनिवार करें, 7 बुधवार करें, या फिर 7 शनिवार और 7 बुधवार आप कर सकते हैं। दोनों हफ्ते में दोनों दिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और करना क्या है आपको दोस्तों, चींटियों की सेवा करनी है। चींटियों को सेवा आप कैसे करेंगे ये भी आप सोच रहे होंगे। तो चींटियों की सेवा हम उनको भोजन करा के करेंगे। हमने कई वीडियो में आपको बताया भी है कि चींटियों को भोजन कराना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जैसे कि हम अपने जो है सभी वीडियो में बताते हैं कि भोजन का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। आप गरीबों को खिलाएं, आप अनाथ आश्रम में दान करें। तो बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि हम लोग ऐसे जॉब पे रहते हैं या ऐसे स्थान पे रहते हैं कि हमें ये संभव नहीं हो पाता है। तो और बहुत सारे लोगों के पास धन भी नहीं होता है कि हम प्रतिदिन ब्राह्मणों को जिमा सके, या फिर आप इतना ज्यादा धन जो है दान कर सके। तो ये चींटियों का जो उपाय है, चींटियों को जो भोजन कराना है, उनका जो सेवा करना है, ये बहुत सूक्ष्म तरीके से, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा आपका धन नहीं खर्चा होगा। आपको उनके लिए कुछ एक भोजन की व्यवस्था करनी है। जैसे कि सभी जानवर, आपको पता ही होगा कि जितने भी जीव होते हैं वह जितना आप उन्हें भोजन दीजिए, उनके पेट में जितना स्थान होता है, जितने उन्हें भूख होती है, उतना वो ग्रहण करते हैं, बाकी वहीं पर छोड़कर वो चले जाते हैं। लेकिन एक चींटी ही एक ऐसा जीव है जो भोजन ग्रहण तो करती ही है, लेकिन अपने कल की भी व्यवस्था करती है। तो आप उन्हीं चींटियों के कल की भोजन की व्यवस्था यदि आप कर देते हैं 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो आपको बहुत लाभ मिलता है।
क्योंकि चींटियां पूरे परिवार सहित अथक प्रयास करती हैं और उनसे हमें सीख भी मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। वो एक टोली में चलती हैं, एक लाइन बना के चलती हैं, बहुत सारी सीख हमें उनसे लेना चाहिए और हम लोग लेते भी हैं। आप उन्हीं चींटियों के भोजन की व्यवस्था करें। अब आपको कैसे करना है, तो आप एक दिन पहले से ही सभी तैयारी कर लें और ये चींटियों को आप एक झुंड में हो वहां पर आप जा सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं, किसी पेड़ जैसे पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़, कोई बड़े वृक्ष के आसपास आप देखेंगे कि लाल चींटियां काली चींटियां, तो अभी आप लाल और काली में जो है अंतर ना करें, किसी भी प्रकार की चींटी हो आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। भोजन में देना क्या है वो भी आप समझें। जब आप मंगलवार को ही ये तैयारी कर लें, जैसे बुधवार को आपको करना है तो मंगलवार को कर लें, या फिर आपको शनिवार को करना है तो फ्राइडे को आप तैयारी करके रख लें। आपको आटा भूनना है, ठीक है, आटा भून लें और उसमें भूरा मिला लें, जो हम लोग गुजिया में भूरा बनाते हैं, मार्केट में रेडीमेड मिलता है, आप वो ले सकते हैं या फिर आप घर पे भी भूरा बना सकते हैं, ठीक है, आप उसमें मिला लें। और आटा भूनने के लिए आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, लेकिन इस उपाय में साधारण तरीके से आप सूखा आटा भूने, उसमें चींटी को खिलाने के लिए चीनी मिक्स करें और एक डिब्बे में रख लें, और आप पार्क सुबह सवेरे जाएं, शाम को जाएं, यानी सूर्य के रहते हैं तभी आपको वहां पे दिखाई देंगी, दिन रहते ही आप ये उपाय कर लें। दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके ऑफिस में कहीं गार्डन है और कहीं पार्क है, वहां पे चींटी आपको दिख रही है तो आप वहां भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये उपाय आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपकी नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जैसे हमारे एक कमेंट आया था बहन का कि एक वर्ष से जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम तो होनी ही है, तो उन्हें परेशानी है कि उनके हस्बैंड की एक वर्ष से जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो उनके लिए भी ये उपाय बहुत अच्छा साबित हो सकता है, तो ये आप करें। अब कई लोगों का ये भी सवाल आता है कि हम घर की चींटियों को दे दें, तो घर की चींटियों को तो आप डालें ही, लेकिन बाहर की चींटियों को जो बड़े पैमाने पे जहाँ पे ज्यादा संख्या में आपको मिल सकती हैं वहां पर आप डालें। जैसे कि हम परिवार की सेवा करते हैं तो वो तो हमारी जिम्मेदारी ही है, घर में बहुत सारी चीजें चींटियों को खाने पीने की मिल जाती है, लेकिन जो पार्क में है, बगीचे में है, वहां पर चींटियों को अनाज मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए यदि आप वहां पर व्यवस्था करेंगे आपको ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसलिए आप मंदिर में कहीं कॉर्नर में आपको चींटियां मिल जाती हैं तो आप करें, ये उपाय बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब हम आपको एक और उपाय, इसी चींटियों से संबंधित है, जो कि बहुत ही कारगर होने वाला है, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने मकान की तलाश में है, जैसे कि मकान बनाने के लिए कि आप किराए के मकान में बहुत दिनों से रह रहे हैं और अपने खुद के मकान में जाना चाहते हैं और किसी कारण से आपका मकान लेना या बनवाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो भी आप ये उपाय शुरू करें। आपको करना क्या है कि आप घी में आटा भून लें और उसमें आटे का भूरा मिला लें और थोड़ी सी जो है काले तिल आते हैं जो हम लोग पितृपक्ष में इस्तेमाल करते हैं, काले तिल मिला लें, यानी कि सभी का पाउडर बना लें और एक साथ एक कंटेनर में भर के आप इसे चींटियों को खिलाएं। इसे त्रिचुली भी कहा जाता है। त्रिचुली अगर आप चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना अपूर्ण है, यानी कि पूरी नहीं हुई है, वह संपूर्ण हो जाती है बहुत कम समय में। तो आप इसे सात शनिवार कर सकते हैं या फिर आप सात मंगलवार कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी दिन आप चुने बहुत ही लाभकारी होता है। अलग अलग मनोकामना के लिए दिनों का चुनाव किया जाता है, लेकिन यदि आप शनिवार के दिन किसी भी मनोकामना हेतु करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बर्थ चार्ट में कोई भी दोष हो, जैसे कि पितृ दोष के कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपके घर में कला कलेश जैसी है, या फिर आपके घर में संतान उत्पन्न होने में बाधा आ रही है, यानी कि कन्या संतान अधिक उत्पन्न हो रही है और पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पितृ दोष होता है, तो आप ये चींटियों का उपाय करें। आपको अमावस्या तिथि के दिन कुछ एक अनाज, जैसे कि मैंने सप्त धान्य का आपको प्रयोग बताया था विशेष, उसी प्रकार से इसमें भी आपको कुछ अनाज लेना है, जैसे कि आपको सबसे पहले चीनी, चींटियों के आहार में मीठा जरूर होना चाहिए, यानी कि चीनी ले लें, भूरा आप ले लें और उसके साथ बाजरा मिला दें, उसके साथ काले तिल मिला दें और थोड़ी सी सरसों, आप पीली या काली दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये सभी चीजों को पाउडर बना लें, उसके साथ आप चीनी का भूरा भी रखें
और मिक्स करके एक डिब्बे में आप रख लें। और हर अमावस्या तिथि को, जैसे कि पितृदोष के लिए उपाय है, हर अमावस्या को आप किसी पार्क में, किसी मंदिर में, कहीं भी पब्लिक प्लेस में जहां पर आपको चींटियां मिलती हैं, आप ये उपाय लगातार 7 अमावस्या करते हैं, आप देखेंगे कि आपके घर से कलह क्लेश दूर हो जाएगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी, यदि आपके घर में धन का अभाव है तो भी दूर होगा। तो ये आप पूरे शिद्दत से करें तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और एक और भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो व्यक्ति शुरू करता है, जैसे आपके फादर इन लॉ शुरू करते हैं या फिर आपके मदर इन लॉ शुरू करती है या आप स्वयं करते हैं, तो जो व्यक्ति एक दिन किसी मनोकामना के लिए कर रहा है वही करेगा। ये नहीं कि एक दिन पापा ने कर दिया, एक दिन मम्मी ने कर दिया, एक दिन मैंने कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक ही व्यक्ति जाएगा और वही ये कार्य करेगा। और इसमें आपको कोई ये नहीं करना है कि हम पीरियड से हो गए हैं, अब हम अशुद्धि के समय क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, ये सभी कुछ ध्यान नहीं देना है। आपको एक दिन कंटेनर में बना के रख लेना है और करीब 1.25 किलो तक ये मात्रा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप छोटा सा थोड़ा सा दे दें, करीब 1 किलो 1.25 किलो तक ये आपकी पूरा मिक्स करके पूरी क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके 7 अमावस्या को आप इस तरह से यदि खिलाते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। दोस्तों एक और चींटियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए मैंने आपको अमावस्या तिथि के उपाय में बताया था, वो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि उसका प्रभाव बहुत अत्यधिक होता है। जैसे कि हम किसी को कोई दान पुण्य करते हैं तो उसके 2 दिन की व्यवस्था करते हैं, 1 समय की खाने की व्यवस्था करते हैं भोजन की, इसी तरह से चींटियों के पूरे वर्ष भर की व्यवस्था करने के लिए आपको एक काम करना है कि आपको मार्केट से नारियल का गोला लेना है। और थोड़ा सा बड़ा गोला आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो नारियल की गिरी जो होती है, सूखा वाला नारियल, यहाँ पे पिक्चर में हम आपको दिखा दे रहे हैं, सूखा वाला नारियल लेकर आए और उसे ऊपर से हल्का सा कट करें और उसके अंदर होल होता है, उसी होल में आपको भुना हुआ आटा और चीनी का भूरा मिक्स कर देना, मतलब मिक्स करके उसमें भर देना है और ऊपर से जो आपका उसका नारियल का कट किया है आपने टुकड़ा, उसके ऊपर आप रख दें, ठीक है। अब किसी मंदिर में आप जाते हैं और आप ये अमावस्या को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, यानी कि ये 3 दिन है। आप किसी भी दिन आप किसी पार्क में जाएं जहाँ पे पानी ना हो आसपास, क्योंकि देखिए पानी वाले स्थान पे चींटियां नहीं आ पाती हैं, तो सूखे स्थान पर आप खड्डा खोद दें और करीब आप एक अपना इतना बड़ा सा खड्डा आप खोदते हैं तो उसके अंदर उस नारियल को ढक दें, यानी कि करके आप छुपा दें, आप अपने घर आ जाएं। आपने 1 वर्ष तक चींटियों के भोजन की व्यवस्था की है, अब ये जो आशीर्वाद जो निकल के आता है ना, तो आप देखेंगे कि इसका लाजवाब प्रभाव होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि चमत्कार हो गया है, तो इसका प्रभाव चमत्कारिक रूप से आपके ऊपर आएगा। तो ये आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आते थे कि दीदी हमें बहुत परेशानी है, अलग अलग प्रकार की परेशानियां आप लोग हमसे शेयर करते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। दोस्तों यदि हम आपकी इतनी भी हेल्प कर सके किसी भी माध्यम से तो हमें अंतरात्मा से मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का मकसद ही यही है, आप सभी की सेवा करने के लिए और आप सभी को नई नई जानकारियां देने के लिए। तो आप ये उपाय करें और इसका लाभ देखें और हमें उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, जिससे ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय माता दी।